हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रॉस्पेक्ट कमोडिटीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। मेनली ये कंपनी इन्होंने फॉर्म की है। पहले ये कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म की तरह ये कंपनी काम करती थी, लेकिन एज अ कंपनी इन्होंने 2022 में ही काम करना स्टार्ट किया है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनका यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर और एमडी की अगर हम बात करेंगे तो विमल मिश्रा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर और एमडी है, जिनके पास में यहाँ पे डिकेट का ग्रोथ या इंडस्ट्री का हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए, जो कंपनी है मेनली अगर आप देखोगे, जो कैश्यूज होते हैं यानी कि जो काजू होते हैं, उन्हें यहाँ पे ये कंपनी बी टू बी मार्केट है उसके अंदर ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और मेनली अगर आप देखोगे तो गुजरात के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो कोलम हो गया, टूटीकोरिन हो गया, मैंगलोर हो गया, तो ये अलग अलग कंट्रीज से और ये सिटीज से यहाँ पे ये कंपनी इंपोर्ट करने का काम करती है। फिर उसके अलावा उसके अंदर थोड़ा बहुत जो प्रोसेसिंग वगैरह का जो काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। फिर उसके बाद में गुजरात के कुछ एरियाज के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन से ग्रेड के प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी सेल करती है, तो देखिए W400, W320, W240, W210 एंड W180 यहाँ पे ये पांचों ग्रेड के यहाँ पे जो काजू है वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है, अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। जैसे अगर आप देखोगे, क्लीनिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, मॉइस्चर हो गया, सॉर्टिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, तो ये सारी चीज़ें जो भी ये जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अगर कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो हो भी रहा है, ये जो प्रोसेसिंग ये कंपनी करने का काम करती है और जिसकी वजह से जो क्वालिटी प्रोडक्ट की वो और इम्प्रूव हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे ये कंपनी का बिजनेस हमें और ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन है उसे यहाँ पे कंपनी रीपे करने वाली है, और लॉन्ग टर्म जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे, जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसिस लगने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मेन हमें यहाँ पे तीन रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो विमल मिश्रा और प्रियंका मिश्रा हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं, और जिसमें से विमल मिश्रा जो है वो हमें यहाँ पे कंपनी के एमडी नजर आते हैं। तो देखिए, लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 8 महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 8.39 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, और 8 महीने में लगभग 50 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पर मंथ का यहाँ पे 6 लाख रुपये ये कंपनी कमा रही है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 70-75 लाख रुपीज़ के लगभग के प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के ईयरली बेसिस पे होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, एक लोअर बेस इफेक्ट हमें कंपनी का नजर आता है, तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर कंपनी अभी गुजरात के अंदर ये कंपनी काम कर रही है, तो आने वाले टाइम पे अगर अलग अलग एरियाज के अंदर अगर ये कंपनी काम करती है और अगर अपने 70-75 लाख के प्रॉफिट को अगर 5-6 करोड़ पे लेके जाती है, तो वहां पे डेफिनेटली 3-4 गुना पैसा यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए, ये वाला नंबर आपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी फॉर्म हुई है, तो कंपनी के हिसाब से यहाँ पे जो नंबर्स है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं तो आप कंपनी फॉर्म करके नहीं दिखा सकते हो। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 8 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 61 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,22,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूँगा तो 7,48,00,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है, इसमें से लगभग 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पे 3,70,00,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे टोटल यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 16 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 17 मार्च को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 20 मार्च को आपके डिमेट अकाउंट में 20 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर मैं एट डी एंड वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.24 है, लेकिन जो इक्विटी कंपनी यहाँ पे रेज कर रही है तो वहाँ पे इक्विटी का प्रपोर्शन और बढ़ जाएगा, और वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर डेट अगर कंपनी रीपे करेगी तो वहाँ पे 1 के नीचे हमें यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी आता हुआ नजर आएगा। ROCE और ROE के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो NAV का नंबर हमें 12 का नजर आता है और लगभग 60 रुपये पर ये कंपनी शेयर दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं 5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये पी रेशियो को देखना बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 27 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का IPO आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग यहां पे अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे 30-35 के पी रेशियो पे कंपनी का IPO आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर पी रेशियो देख के मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर एकदम से अगर अगले साल कंपनी 75 लाख का 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अगर कर देगी तो वहाँ पे सीधा पी रेशियो 15 का में होता हुआ नजर आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए अगर ये कंपनी अभी सिर्फ गुजरात में काम कर रही है, अगर आने वाले टाइम पे और नए नए स्टेट से अगर ये कंपनी काम करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली कम से कम 10 करोड़ का बिजनेस वहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पैसे बन सकते हैं, मैं डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश मेरी रहेगी। और मेरे ख्याल से मैं अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैं डेफिनेट यहाँ पे 99% ये रहेगा कि मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन अगर मार्केट का अगर मूड वगैरह अगर वहाँ पे चेंज हो जाता है, अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शंस वगैरह आते तो मेरा वहाँ पे मूड थोड़ा बदल सकता है, ताकि अभी तक मेरा 99% चांस है कि मैं यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्रॉस्पेक्ट कमोडिटीज के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।